आजसू पार्टी के रांची महानगर प्रभारी सह लोहरदगा प्रभारी जितेंद्र सिंह ने रफ्तार मीडिया के संवाददाता शंकर ठाकुर से मौजूदा राजनीतिक गतिविधियों पर खास चर्चा की। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। झारखंड में आगामी 2024 में विधानसभा चुनाव होने वाली है और आसू पार्टी के दिग्गज नेता और गदेवार नेता हमारे साथ जितेंद्र सिंह है। मैं बता दूं कि रांची लोक विधानसभा का ये प्रभारी भी नियुक्त है, लोहरदगा विधानसभा क्षेत्र के भी प्रभारी। इनसे राजनीति की वो तमाम बातें करना चाहेंगे जो कि अभी जिस तरीके से राजनीतिक मौजूदा चल रही है। सबसे पहले रफ्तार मीडिया में आपका स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी अभी पिछले महीने ही आप लोगों का वर्षगांठ भी हुआ, उसके लिए भी ढेर सारी शुभकामनाएँ। आपका मीडिया आगे बढ़े, आसू का पूरा परिवार आपके सुंदर भविष्य का कामना करता है। पहला क्वेश्चन है, जिस तरीके से राजनीतिक का माहौल अभी देखा जा रहा है, उठा पटक, जिस तरीके से ठंडापन आ रही है लेकिन राजनीति में गर्माहट आ चुकी है, इसे किस तरीके से देख रहे हैं? क्योंकि चुनाव बहुत नज़दीक है, 2 से 2.5 महीना के बीच में चुनाव है, आसू पार्टी कैसे इसकी तैयारी कर रही है? देखिए, जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आता है निश्चित तौर पर चाहे छोटी पार्टियां हो या बड़ी पार्टियां हो अपना गतिविधियां को बढ़ा देती है, और जहां शहर में गतिविधि बढ़ती है क्षेत्र में गतिविधि बढ़ती है तो निश्चित तौर पर माहौल गर्म हो जाता है। क्योंकि पार्टी के छोटे जो हमारे कार्यकर्ता हैं, जो पार्टी के नींव हैं, हम जैसे लोग जो पार्टी के नींव हैं, उस शीर्ष नेताओं को एक ऊर्जा मिलती है और उसी ऊर्जा के मिलने के जगह पे वो अपना कार्यक्रम को तय करते हैं। तो निश्चित तौर पे एक समन्वय है, और समन्वय का स्थिति है कि आज आसू पार्टी पूरे 81 विधानसभा में चूल्हा प्रमुख की बैठक करने जा रही है, और हमारे माननीय केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो जी हर एक विधानसभा में जा करके और चूल्हा प्रमुख का सम्मेलन करके पार्टी को मजबूत करने का काम कर रहे हैं, ताकि आने वाले विधानसभा में 81 विधानसभा में NDA गठबंधन आसू का जो पकड़ है चूल्हा प्रमुख तक रहे, इसके लिए हम लोग प्रयासरत रहे। बड़ी जिम्मेवारी रांची के साथ साथ लोहरदगा के दिया गया है, इसको कैसे देख रहे हैं? कैसे वहाँ पे लोहरदगा में केला को खिलाएंगे, कमल को खिलाएंगे आप? देखिए, जहाँ तक रह गया लोहरदगा तो हमारा पारंपरिक सीट रह गई है, स्वर्गीय कमल किशोर भगत जी वहाँ के विधायक रह चुके हैं, हमारा वो सीट है। पूर्व में भी हमारे प्रत्याशी वहाँ से चुनाव लड़ चुके हैं। निश्चित तौर पे जब सफलता आपको मिलती है तो एक सभा उत्साह बढ़ाता है, दूसरी तरफ एक चैलेंजेस भी है। चैलेंजेस इन द सेंस है कि माननीय अध्यक्ष महोदय ने जो मुझे कार्यभार ये 7 महीने के अंतराल में जो दिया है, लोहरदगा का चुनाव प्रभारी बन के रांची विधानसभा का तो मैं प्रभारी हूँ, केंद्रीय सचिव भी हूँ, तो मज़ा आ रहा है काम करने में। और सबसे वो उत्साहपूर्वक बात यह है कि लोहरदगा के जितनी जनता है वो आदरणीय सुदेश कुमार महतो जी का और आसू का जो एजेंडा उसके साथ खड़ी है, और कहीं ना कहीं हमारा पार्टी वहाँ पर उत्साहित है। जी बिल्कुल। एक और अहम सवाल होता है, जिस तरीके से इंडिया घटक का जो हेमंत सरकार जो है मास्टर स्ट्रोक के रूप में मैया योजना जो चलाया, इसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, हमेशा आप ध्यान रखिएगा, अब तब सरकार बिल्कुल अल्प समय के लिए है, घोषणाएं अल्प समय के लिए होता है, कितना लाभुकों का उसका लाभ मिलेगा वो पूरा दुनिया जानती है, पूरा भारतवर्ष जानता है, झारखंड के तो हर एक लोग जानते हैं। अब रह गया सरकार, तो सरकार के पास ये पावर है जब चाहे किसी योजना को लाए। अब ये योजना आम जनता कब तक पहुँच पाएगा, आम जनता इसके लिए कब तक उसका इंतजार करेंगे, और ये सुविधाएँ कब तक उन तक पहुँच पाएगी, ये देखने वाली बात है। कि चूँकि बहुत ही जल्द चुनाव है, आचार संहिता इस राज्य में कभी भी लग सकता है। अहम सवाल एक और होता है इसमें, जिस तरीके से झारखंड को बिहार से अलग हुआ 24 साल हो चुका है, इन 24 साल में झारखंड का विकास आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि अदर स्टेट इसके साथ और भी, उत्तराखंड हुआ या छत्तीसगढ़ हुआ, ये विकास के नाम पे वहाँ पे गंगा बह रही है, लेकिन झारखंड में आज भी एजुकेशन हो, स्वास्थ्य हो या अदर कई ऐसे जो है मूलभूत सुविधाएं, रोजगार ऐसे मामला हो, पिछड़े हुए नजर आ रहे हैं, सरकार किसी का भी रहे। देखिए, आजसू पार्टी आंदोलन का उपज है, माननीय सुदेश कुमार महतो महज एक नाम नहीं, एक आंदोलन है, और वो आंदोलन से निकल करके इस राज्य का जो उन्होंने सपना देखा था वो कहीं ना कहीं वो भी महसूस करते हैं कि जो राज्य के लिए हमने सपना देखा था, जिस राज्य के लिए आजसू पार्टी ने, निर्मल महतो जैसे लोगों ने शहादत दिया, आज वो सपना बिल्कुल शत प्रतिशत तो सही नहीं हुआ, लेकिन याद रखिए सपना ही साकार होता है। और आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष माननीय सुदेश कुमार महतो का यह सपना हो, घर घर वो अपना हो, और जिस दिन माननीय सुदेश कुमार महतो का सपना पूरा होगा, जब अंतिम पौदान तक उस घर में दिया जलेगा जिस घर में दिया जलाने के लिए माननीय सुदेश कुमार महतो जी निकले।
एक अंतिम क्वेश्चन है, चूंकि आशु पार्टी जो है युवाओं की पार्टी कही जाती है, विधानसभा नज़दीक है, क्या युवाओं को इस बार मौका मिलेगी? देखिए, हमारे केंद्रीय अध्यक्ष खुद एक युवा है, खुद युवा खिलाड़ी है, और खिलाड़ियों को प्रोत्साहन युवाओं के लिए उन्होंने युवा आशु का गठन किया है। अब पूरे झारखंड प्रदेश में जिस उत्साह के साथ युवा आशु कार्य कर रहा है, निश्चित तौर पर ये एक मतलब अद्भुत, अतुलनीय, अकल्पनीय है। चूँकि अल्पमत में उस युवा आशु का गठन करना और जिस रफ्तार से युवा आशु 81 विधानसभा में संगठन को बना करके काम कर रहा है, माननीय सुदेश कुमार महतो जी हमेशा ये बोलते हैं कि आने वाले समय युवाओं का है, और स्वामी विवेकानंद जी ने बोला है, उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक तुम्हें लक्ष्य की प्राप्ति नहीं मिल जाए। और झारखंड का एक एक युवा माननीय सुदेश कुमार महतो जी को झारखंड का मुख्यमंत्री बना करके ही अपने आप को चैन लेगा। जी बिल्कुल, जिस तरीके से अभी देख रहे थे आशु पार्टी के रांची महानगर प्रभारी साहब जो जिस तरीके से अपनी बात को रखे और साफ तौर से कहा कि हमारी पार्टी जो है युवाओं की पार्टी है और युवाओं के हित के लिए सोचती है, और निश्चित तौर से आगामी जो विधानसभा चुनाव में हमारी गठबंधन के साथ, एनडीए के साथ गठबंधन है, उसके साथ सरकार बनेगी और युवाओं के विकास की बात करेंगे। अपने सहयोगी दीपक के साथ शंकर ठाकुर, रफ्तार मीडिया के लिए।